बसमिल्ल 2020 का जो दूसरा चांद ग्रहण लगने वाला है ये कब लगेगा कितनी तारीख़ में लगेगा और इसका टाइम क्या होगा कितने बजे लगेगा और कहां-कहां ये चांद ग्रहण नज़र आएगा और उसके साथ साथ इस्लाम का चांद ग्रहण के बारे में क्या कहना है इस्लामी नज़रिया क्या है साइंस का क्या कहना है इसके अलावा भी बहुत पॉइंट पॉइंट की बातें आपको बताऊँगा कि चांद ग्रहण क्यों लगता है ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा कुरान और हदीस की रोशनी में ही बताऊँगा सबसे पहले हम डेट जान लेते हैं कि तारीख क्या है तारीख़ जो है पाँच जून में चांद ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा छः जून में कैसे मैं वो आपको बताता हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी तारीख के अतबार से रात के बारह बजे के बाद तारीख बदल जाती है डेट बदल जाता है तो ये जो चांद ग्रहण लगना शुरू होगा पाँच जून 2020 में रात के 11 ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट पर शुरू हो जाएगा ग्यारह बजकर पंद्रह पी एम पे रात का वक्त है और ये ख़त्म होगा छः जून दो हज़ार बीस पर दो बजकर चौंतीस एम पे रात के वक्त में दो बजकर चौंतीस मिनट पे रात के वक्त में ये चांद ग्रहण ख़त्म हो जाएगा आ, कुल अगर हम हिसाब करते हैं तो तीन घंटा उन्नीस मिनट के करीब करीब ये चांद ग्रहण लगेगा टोटल वक्त जो है इसका और ये कहाँ कहाँ लगेगा एशिया पे लगेगा एशिया ममालिक जो हैं जैसे आ, हिंदुस्तान है पाकिस्तान है श्रीलंका है उसके अलावा भी दूसरे ममालिक में जैसे अफ्रीका है यूरोप है ऑस्ट्रेलिया है इन इलाकों पे भी इन ममालिक पे भी चाँद ग्रहण का असर ज़ाहिर होगा चाँद ग्रहण क्यों लगता है साइंस का क्या कहना है साइंस के जानने वाले वो ये कहते हैं कि दुनिया जब बीच में आ जाती है इधर चांद है और इधर सूरज है बीच में दुनिया तो अब जो है बीच में दुनिया होने की वजह से सूरत की जो रोशनी है वह चांद पे नहीं पड़ पाती है अब जो है चांद अंधेरा हो जाता है इसीलिए उस पर हम कहते हैं ग्रहण लग गया अब इसको समझिए यहाँ पर साइंस जो जानने वाले हैं वो ये बताते हैं उस मौके पे वो मरहला इतना ख़तरनाक मरहला होता है चांद अपनी तरफ पूरी ताकत के साथ खींचता है दुनिया को और अगर दुनिया खींच कर चाँद से टकरा जाए दुनिया ख़त्म नेस तो नाबूद हो जाएगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह इधर सूरज है सूरज भी अपनी तरफ ताकत के साथ इस दुनिया को खींचने लगता है इधर ये खींचता है इधर सूरज खींचता है दोनों खींचने लगते हैं दुनिया बीच में है और ये मरहला इतना नाजुक है कि अगर इधर भी ज़रा फिसल जाए सूरज से जाकर टकरा जाएगी दुनिया तो दुनिया ख़त्म इसी तरह अगर इधर से जाकर टकरा जाए चांद से तब भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी इतना नाजुक मरहला और इस्लाम ऐसे मौके पे इबादत करने का हुक्म देता है क्या करेंगे ऐसे मौके पे मेरी मुस्तकिल वीडियो आती रहेगी एक एक करके वीडियो में आपको बताऊंगा तफसील के साथ उसको देखेंगे तो इन वजाहत के साथ बताऊंगा यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ ऐसे मौके पे इस्लाम इबादत करने का हुक्म देता है अपने महबूद की तरफ अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म देता है क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि दुनिया टकरा जाए या दुनिया ख़त्म हो जाए तो इंसान अल्लाह को याद करते हुए अपने माबूद को याद करते हुए दुनिया से रुख़त हो जाए इंतकाल कर जाए मर जाए क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी फिर इसीलिए उस वक्त हमें अल्लाह को याद करना चाहिए रोना गिड़गिड़ाना चाहिए हदीस में बताया भी गया है मैं आप आ, आ, आगे आपको बताता हूँ जैसे कि कुरान की आयत है वह ख़ फल क़मर यह आयत जो है सूर्य क़याम आयत नंबर आठ खोल कर देखिएगा कुरान में क़यामत जब आएगी उस वक्त जो है सूरज भी और चाँद भी दोनों बेनूर हो जाएंगे इस आयत में जो मैंने पढ़ी है वह ख़ अफल़मर कि चांद बेनूर हो जाएगा अब क्या बेनूर हो जाएगा वो समझिए कयामत के मौके पे हमेशा के लिए चांद बेनूर हो जाएगा और चांद को जो ग्रहण लग रहा है उस वक्त भी चांद से रोशनी ख़त्म हो जाती है चांद बेनूर हो जाता है और इम्कान है कि हो सके कि वो हमेशा के लिए बेनूर हो जाए और कयामत आ जाए हो सकता है इसीलिए इबादत करना चाहिए ये मौका जो है बहुत नाजुक मरहला होता है इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ़ में जिल नंबर एक सफ़र नंबर एक सौ तैंतालीस पर रिवायत मौजूद है इन वल क़मर आयतान आयातल्ला कहते हैं कि अल्लाह की जो निशानियां हैं उनमें से चाँद और सूरज दोनों निशानी हैं और यहाँ पर एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ जब सूरज को और चाँद को ग्रहण लगता है उस वक्त उन लोगों को इब्रत लेनी चाहिए जो चाँद को पूजा करते हैं चाँद की पूजा करते हैं और चाँद को जो है खुदा समझ बैठते हैं सूरज को माबूद समझ बैठते हैं सूरज को सजदा करने लगते हैं चाँद को सजदा करने लगते हैं उनका जो है उनको खुदा के दर्जे में रख देते हैं तो उनको यहाँ सबक लेना चाहिए कि जब तुम जिसे खुदा मान रहे हो वो भी बेनूर हो जाता है पता चला कि इससे भी बड़ी ताकत कोई और है जो इस दुनिया को चला रही है जो सूरज को भी बेनूर कर देता है वो जात जो है और वो कुदरत जो है चांद को भी जो है बेनूर कर देती है वो ताकत कौन सी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की दात है कुल हु अल्लाह अहद। अल्लाह अकेला है तमाम चीज़ों का मालिक है तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला है बताइए सूरज को किसने पैदा किया कौन पैदा खुद बखुद कैसे पैदा हो गया कोई तो पैदा करने वाला होगा इसी तरह चांद को किसने पैदा किया वही है खुदा वही है एक मबूद जिसे हम अल्लाह कहते हैं इसीलिए ऐसे मौके पे हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमें समझ अदा करे एम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें